यस डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू बच्चों. नाउ टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट द क्वेश्चंस बेस्ड ऑन मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ एल्कीन. एल्कीन में बहुत इंपॉर्टेंट हमारा बच्चों एक क्वेश्चन रह गया था, जो हमारा बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, व्हाट इज डीकार्बोक्सिलेशन रिएक्शन. हम डीकार्बोक्सिलेशन रिएक्शन हम किसे कहते हैं, ये हमारा क्वेश्चन था बच्चों. कभी कभी हमारे पेपर में ऐसा भी पूछा आता है, व्हाट हैपेंस व्हेन सोडियम एसीटेट, इसको हम बोलते हैं बच्चों सोडियम सॉल्ट ऑफ इथेनोइक एसिड, सोडियम एसीटेट कह दो, या इसको कभी कभी हम बोलते हैं बच्चों सोडियम सॉल्ट ऑफ इथेनोइक एसिड. सोडियम सॉल्ट ऑफ इथेनोइक एसिड इज हीटेड विथ सोडा लाइम, है ना. हम इसको किसके साथ गर्म करते हैं बोलो, सोडा लाइम के साथ गर्म करते हैं. इसको नोट कर लीजिए बच्चों कि व्हाट इज डीकार्बोक्सिलेशन रिएक्शन, या व्हाट हैपेंस व्हेन सोडियम एसीटेट और सोडियम सॉल्ट ऑफ इथेनोइक एसिड इज हीटेड विथ सोडा लाइम. अगर बच्चों हम इसके आंसर की बात करते हैं, तो यहाँ पर एक क्वेश्चन आता है कि तिवारी सर सोडा लाइम क्या होता है. सोडा लाइम इज अ मिक्सचर ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड कैल्शियम ऑक्साइड इन द रेशियो 3:1. अगर बच्चों हम दो चीज लें, एक लें सोडियम हाइड्रोक्साइड और एक लें कैल्शियम ऑक्साइड, तो इन दोनों के मिक्सचर को बच्चों हम कहते हैं सोडा लाइम. तो जहां भी सोडा लाइम का नाम आएगा वहां आपको सोडियम हाइड्रोक्साइड लिखना है और कैल्शियम ऑक्साइड लिखना है. चलिए देखते हैं आंसर. चलिए सोडियम एसीटेट, पहले तो देखें सोडियम एसीटेट का फॉर्मूला क्या होता है. एसिटिक एसिड, है ना, विनेगर, सिरका. एसिटिक एसिड का बच्चों फार्मूला होता है CH3COOH, है ना. एसिटिक एसिड का क्या फार्मूला होगा बच्चों, आंसर हम लिखते हैं इसका CH3COOH. ये एसिटिक एसिड है. एसिटिक एसिड से बच्चों अगर हम H हटा दें तो ये हो जाएगा एसीटेट. क्या हो जाएगा, एसीटेट. Na लगा दें तो इसका नाम हो जाएगा सोडियम एसीटेट. क्या हो जाएगा बच्चों, इसका नाम हो जाएगा सोडियम एसीटेट. तिवारी सर पहले हमने सोडियम क्यों बोला, एसीटेट क्यों बोला, क्योंकि सोडियम जो है पॉजिटिव है, एसीटेट जो है नेगेटिव है. पहले पॉजिटिव वाले का नाम लिखते हैं फिर नेगेटिव वाले का नाम लिखते हैं. चलिए अगर बच्चों मैं इसको मिटा दूं, यहां पर मैं H लिख लूं, तो ये कौन सा एसिड हो जाएगा, इथेनोइक एसिड. एक कार्बन होता तो मिथेनोइक एसिड, दो कार्बन है एथ, एथ का एन बना एथेन, COOH ऑइक एसिड होता है, तो ये इथेनोइक एसिड हो गया. अगर हमने बच्चों यहाँ एन ए लगा दिया तो ये हो गया सोडियम सॉल्ट ऑफ इथेनोइक एसिड. सॉल्ट क्यों कहते हैं, क्योंकि ये निगेटिव होता है, सोडियम पॉजिटिव होता है. तो बच्चों हम इसके दो नाम ले सकते हैं, या तो हम इसको सोडियम एसीटेट कह सकते हैं, या हम इसको ये भी कह सकते हैं सोडियम सॉल्ट ऑफ इथेनोइक एसिड. अब हम इसकी रिएक्शन करवाते हैं सोडा लाइम के साथ. सोडा लाइम दो का मिक्सचर होता है, एक होता है सोडियम हाइड्रोक्साइड और दूसरा होता है कैल्शियम ऑक्साइड. इन दोनों के मिक्सचर को बच्चों हम एक साथ मिलाकर बोलते हैं सोडा लाइम, है ना. इसको हीट कर रहे हैं हम. देखिए सोडियम हाइड्रोक्साइड पार्टिसिपेट इन केमिकल रिएक्शन, ये तो केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट करता है, व्हाइल कैल्शियम ऑक्साइड एक्ट एज कैटलिस्ट. चलिए आगे बढ़ते हैं. अब देखिए ये बच्चों निकल गया Na2CO3, इसका नाम है सोडियम कार्बोनेट Na2CO3. क्या बचा, CH3 और H क्या हो गया, CH4. तो ये हो गया बच्चों, ये हो गया तुम्हारा CH4 प्लस ये हो गया आपका Na2CO3. तो CH4 का नाम हम सबको मालूम है, दिस इज मीथेन और इन जनरल इट इज कॉल्ड एज इथेन, सॉरी इन जनरल इट इज कॉल्ड एज एल्केन. इसको क्या बोलेंगे जनरल फॉर्म में, इसको बच्चों हम बोलेंगे एल्केन. तो अगर आप व्हाई दिस रिएक्शन इज कॉल्ड एज डीकार्बोक्सिलेशन रिएक्शन, बच्चों इस रिएक्शन को हम डीकार्बोक्सिलेशन रिएक्शन क्यों बोलते हैं, बिकॉज हियर कार्बन डाइऑक्साइड इज रिलीज इन द फॉर्म ऑफ सोडियम कार्बोनेट, है ना. डीकार्बोक्सिलेशन रिएक्शन क्यों बोलते हैं, बिकॉज हियर CO2
CO2 is released in the form of in the form of सोडियम कार्बोनेट. फार्मूला क्या हो जाएगा बच्चों? Na2CO3. तो यदि आपके पेपर में बच्चों क्वेश्चन पूछे कि व्हाट हैपेंस व्हेन सोडियम एसीटेट या सोडियम सॉल्ट ऑफ इथेनोइक एसिड इज हीटेड विद सोडा लाइम, तो यह है सोडियम सॉल्ट ऑफ इथेनोइक एसिड या सोडियम एसीटेट, सोडा लाइम से रिएक्शन हो रही है, Na2CO3 निकल रहा है और मीथेन बन रहा है. हमेशा बच्चों इस रिएक्शन के अंदर हमेशा एल्केन बनता है और Na2CO3 निकलता है. इज इट क्लियर? चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं. पॉज करके इसे नोट करिएगा. अगला क्वेश्चन है बच्चों, ये आपके NCERT का क्वेश्चन है कि विच सोडियम सॉल्ट ऑफ एसिड, ये आपके NCERT का क्वेश्चन है बच्चों, जो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. विच सोडियम सॉल्ट ऑफ एसिड इज रिक्वायर्ड फॉर द प्रिपरेशन ऑफ प्रोपेन. बहुत बढ़िया क्वेश्चन है. विच सोडियम सॉल्ट ऑफ एसिड इज रिक्वायर्ड फॉर द प्रिपरेशन ऑफ ईथेन, है ना? अगर बच्चों हमें ईथेन बनाना है तो कौन सा सोडियम सॉल्ट ऑफ फैटी एसिड लोगे? देखो बच्चों, एक आपको बहुत बढ़िया बात बताऊं, अगर आपको मीथेन बनाना है, एक कार्बन वाला है तो इथेनोइक एसिड, दो कार्बन वाला एसिड ले लो. अगर आपको इथेन बनाना है दो कार्बन वाला तो प्रोपेनोइक एसिड ले लो, तीन कार्बन वाला एसिड ले लो. तो हमें जो भी बनाना हो उससे एक बढ़कर वाला हम एसिड लेते हैं, है ना, ये ध्यान रखना. यहाँ पर आपको क्या बनाना है? इथेन. इथेन का फार्मूला क्या होता है बताओ? C2H6. तो आपको कितने कार्बन वाला एसिड लेना पड़ेगा? तीन कार्बन वाला प्रोपेनोइक एसिड. अगर आपको प्रोपेन बनाना है, C3H8, तीन कार्बन वाला है, तो कितने कार्बन वाला एसिड लेना पड़ेगा? चार वाला ब्यूटेनोइक एसिड. तो ये जो आपका क्वेश्चन है इसमें आपको इथेन बनाना है, इथेन का फार्मूला होता है C2H6, तो आपको तीन कार्बन वाला एसिड लेना पड़ेगा. चलिए आंसर लिखते हैं बच्चों. एक कार्बन, दो कार्बन और तीसरे वाले पे मैंने COOH लिख दिया. बिल्कुल सही तिवारी सर, बहुत अच्छा काम किया. पहला कार्बन, दूसरा कार्बन, तीसरे वाले पे COOH लिख दिया. तिवारी सर हमें पता कैसे चला? भाई इथेन है, इथेन के अंदर दो कार्बन है तो तीन कार्बन वाला एसिड चाहिए. एक कार्बन, दो कार्बन, तीसरे पर COOH. यहाँ पर बैलेंस कर रहे हैं, दो और दो चार, यहाँ पर इसकी वैलेंसी एक है, हमने CH3 लिख दिया. तो क्या हो गया? CH3 CH2 COOH. थोड़ा पास लिख दे. ये हो गया CH3, है ना, CH3. ये हो गया CH2, ये हो गया COOH. प्रोपेनोइक एसिड. क्या नाम होगा बच्चों इसका? प्रोपेनोइक एसिड होगा ना, प्रोपेनोइक एसिड. अब हमने यहाँ H हटा दिया और यहाँ Na लगा दिया, तो किसका सॉल्ट हो गया? सोडियम सॉल्ट ऑफ प्रोपेनोइक एसिड. इथेन में दो कार्बन है, आपको इथेन बनाना है तो तीन कार्बन वाला एसिड लेंगे, उसका सॉल्ट बनाएंगे. तो इसका नाम हो जाएगा, इसके दो नाम हो सकते हैं. एक हो जाएगा सोडियम प्रोपियोनेट, सोडियम तीन कार्बन प्रोप, प्रोपियोनिक एसिड प्रोपियोनेट. अगर आपको ये नहीं लिखना है तो हम क्या लिखेंगे? सोडियम सॉल्ट ऑफ कौन सा एसिड? तीन कार्बन वाला एसिड है, सोडियम सॉल्ट ऑफ प्रोपेनोइक, प्रोपेनोइक एसिड. किससे रिएक्शन करवा रहे हैं बच्चों? सोडा लाइम से. मिक्सचर ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड कैल्शियम ऑक्साइड. ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, है ना. इसका दोनों का नाम क्या होगा बच्चों? दिस इज कॉल्ड एज सोडा लाइम. क्या निकल गया बोलो? Na2CO3. हमेशा सोडियम कार्बोनेट निकलता है. क्या हो गया? C2. देखिए ध्यान से देखिए, C2 3, 2, 5 और 1, 6. C2 3, 2, 5 और 1, 6. ये हो गया C2H6 हाइड्रोजन है बच्चों, प्लस Na2CO3. इसका नाम क्या हो गया? ये हो गया इथेन, और इन जनरल इट इज कॉल्ड एज एल्केन. तो अगर आपसे पेपर में पूछा जाए कि विच सोडियम सॉल्ट ऑफ एसिड इज रिक्वायर्ड फॉर द प्रिपरेशन ऑफ इथेन, गिव केमिकल रिएक्शन, आप इसकी केमिकल रिएक्शन लिखिए. तो हमारा आंसर क्या होगा बच्चों? सोडियम सॉल्ट ऑफ प्रोपियोनिक एसिड. ये देखिए मैंने लिखा हुआ है यहाँ पे, सोडियम सॉल्ट ऑफ प्रोपेनोइक एसिड
इज रिक्वायर्ड फॉर द प्रिपरेशन ऑफ इथेन, और ये आपकी केमिकल इक्वेशन हो जाएगी। नोट डाउन इन योर कॉपी बच्चों। तो बच्चों अब इसके बाद वी विल सी द क्वेश्चन बेस्ड ऑन मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ एल्कीन। अभी तक बच्चों हम किसकी बात कर रहे थे, एल्कीन की बात कर रहे थे, बट नाउ वी विल सी द मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ एल्कीन, है ना। मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ एल्कीन पर बेस्ड हम कुछ क्वेश्चंस करेंगे, है ना। बच्चों बता सकते हो हम एल्कीन को कैसे बना सकते हैं? इट कैन बी प्रिपेयर्ड बाय द रिडक्शन ऑफ एल्काइन, है ना। क्वेश्चन कैसे आता है ध्यान दीजिए, व्हाट हैपेंस व्हेन, क्या होता है जब, व्हाट हैपेंस व्हेन हाइड्रोजिनेशन, हाइड्रोजिनेशन मतलब क्या होता है बच्चों, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन और रिडक्शन। जब हाइड्रोजन जुड़ता है तो उसको हम दूसरा नाम क्या है बोलो, रिडक्शन। हाइड्रोजिनेशन और रिडक्शन ऑफ इथाइन टेक्स प्लेस, रिडक्शन ऑफ इथाइन टेक्स प्लेस इन द प्रेजेंस ऑफ प्लेटिनम या पैलेडियम और निकल। क्या होता है अगर हम हाइड्रोजिनेशन करें या रिडक्शन करें, किसका, इथाइन का करें, इथाइन का कॉमन नेम क्या है बच्चों, एसिटिलीन, इन द प्रेजेंस ऑफ निकल प्लेटिनम और पैलेडियम। चलिए ध्यान देते हैं इसके आंसर पर, ध्यान देते हैं बच्चों, इथाइन, इथाइन मतलब कितने कार्बन, दो कार्बन, आइन है दोनों के बीच में ट्रिपल बॉन्ड, कार्बन की वैलेंसी चार, तीन और एक चार। रिडक्शन में क्या जुड़ता है, हाइड्रोजन, किसकी प्रेजेंस में, निकल ले लो, प्लेटिनम ले लो या पैलेडियम ले लो। क्या होगा भाई, एक हाइड्रोजन यहाँ जुड़ जाएगा, एक हाइड्रोजन यहाँ जुड़ जाएगा, क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा CH2 डबल बॉन्ड CH2, दिस इज कॉल्ड एज इथाइन। कोई बच्चों मुझे बताएगा इथाइन का IPSC नेम क्या होता है, कॉमन नेम क्या होता है? इथाइन का कॉमन नेम बच्चों हमारा होगा एसिटिलीन। तो हमारे पेपर में क्वेश्चन किस तरह से आ सकता है, व्हाट हैपेंस व्हेन रिडक्शन ऑफ इथाइन टेक्स प्लेस, तो जब इथाइन का रिडक्शन होगा तो क्या बनेगा, इथीन बनेगा। इज इट क्लियर, या हाउ विल यू कन्वर्ट इथाइन इनटू इथीन। तो अगर आपको इथाइन को इथीन में कन्वर्ट करना है बच्चों, तो आप सीधे सीधे इसका रिडक्शन करवा दीजिए। इज इट क्लियर। चलिए मान लीजिए आपके पेपर में क्वेश्चन नहीं पूछ रहे, वो पूछते हैं कि व्हाट हैपेंस व्हेन रिडक्शन ऑफ प्रोपाइन टेक्स प्लेस। अब अगर वो आपसे प्रोपाइन की बात करते हैं, टेंशन मत लीजिए, तीन कार्बन बना दीजिए, दो के बीच में ट्रिपल बॉन्ड, बाकी सिंगल बॉन्ड, भाई आइन है ना, ट्रिपल बॉन्ड लगेगा, कार्बन की वैलेंसी एक और तीन चार, तीन और एक चार कंप्लीट है, तीन और एक चार, रिडक्शन हो रहा है, हाइड्रोजन होगा, कोई भी ले ले, प्लेटिनम ले ले, पैलेडियम ले ले, निकल ले ले, दो हाइड्रोजन है। बच्चों एक चीज़ मैंने बहुत इंपॉर्टेंट आपको बताया था कि हमेशा जब कोई चीज़ जुड़ती है तो वो डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड के क्रॉस ही जुड़ती है, तो एक हाइड्रोजन यहाँ जुड़ेगा, दूसरा हाइड्रोजन यहाँ जुड़ेगा, क्या बन जाएगा हमारा फार्मूला, हो जाएगा CH3CH डबल बॉन्ड CH2। तो यहाँ पर क्या था प्यारे बच्चों, ये हमारा प्रोपाइन था और हमने क्या बना लिया, हमने बना लिया प्रोपीन। तो कहीं भी अगर हमें एल्काइन से एल्कीन बनाना हो तो वी कैन डू इट्स रिडक्शन और हाइड्रोजिनेशन। नोट कर लीजिए बच्चों कॉपी में, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, विल बी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं जी। बच्चों हमारा जो अगला क्वेश्चन है जो प्रिपरेशन का है वो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और ये एक नेम रिएक्शन है जो कई बार हमारे पेपर में इसे पूछा गया है। इज इट क्लियर, वो एक नेम रिएक्शन है, ये ध्यान रखना। पेपर में किस तरह से क्वेश्चन आता है, पेपर में जो हमारे क्वेश्चन आता है वो इस तरह से आता है, पेपर में जो क्वेश्चन पूछा आता है वो हमारे पेपर में जो क्वेश्चन पूछा आता है वो ये है कि व्हाट इज डीहाइड्रोहैलोजिनेशन रिएक्शन, है ना। नाम दे सुनना, नाम क्या है उसका, व्हाट इज डी मतलब निकलना, हाइड्रो मतलब हाइड्रोजन का, डीहाइड्रोहैलोजिनेशन रिएक्शन। ठीक है, क्वेश्चन ये है बेटा कि डीहाइड्रोहैलोजिनेशन रिएक्शन क्या होती है, व्हाट इज डीहाइड्रोहैलोजिनेशन रिएक्शन। ठीक है,
गिव एग्जाम्पल, या तो बेटा हमारे पेपर में क्वेश्चन आता है कि डिहाइड्रोहेलोजिनेशन रिएक्शन हम किसे कहते हैं, इसका एग्जाम्पल लिखिए, या हमारे पेपर में क्वेश्चन आता है जो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, व्हाट इज बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन, बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन किसे कहते हैं, व्हाट इज बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन, गिव एग्जाम्पल, है ना, हम बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन किसे कहते हैं, इसका एग्जाम्पल लिखिए। तो दोनों में से किसी भी तरह ये हमारे पेपर में क्वेश्चन आ सकता है। इन दोनों मेथड से बच्चों हम एल्कीन बनाते हैं। क्या बनाते हैं? इन दोनों मेथड से हम यहाँ पर एल्कीन बनाते हैं। अब आंसर देखिए किस तरह से, पहले मैं आपको इसका इक्वेशन बता दूं। देखो बच्चों, डिहाइड्रोहेलोजिनेशन जो रिएक्शंस होती हैं या जो बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन होती है, यह हमेशा एल्काइल हैलाइड की भी हो सकती है, एल्कोहल की भी हो सकती है। चलिए एल्काइल हैलाइड देखते हैं, ठीक है, या हमारे पेपर में, ये पेपर में क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है, देखिए किस तरह से आ सकता है। व्हाट हैपेंस व्हेन, कितने टाइप के क्वेश्चंस बन रहे हैं ध्यान दीजिएगा, व्हाट हैपेंस व्हेन, क्या होता है जब, व्हाट हैपेंस व्हेन इथाइल ब्रोमाइड का आईपीएससी नेम क्या होगा बच्चों, ब्रोमोइथेन, इथाइल ब्रोमाइड या ब्रोमोइथेन रिएक्ट्स विथ एल्कोहलिक KOH, एल्कोहलिक पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। कितने टाइप के क्वेश्चन हमारे पेपर में बन रहे हैं, क्या होती है डिहाइड्रोहेलोजिनेशन रिएक्शन, क्या होती है बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन, क्या होता है जब इथाइल ब्रोमाइड या ब्रोमोइथेन की पोटेशियम हाइड्रोक्साइड से रिएक्शन होती है। सारे के सारे क्वेश्चन एक ही हैं, ओनली द मोड ऑफ आस्किंग क्वेश्चन इज डिफरेंट, ध्यान दीजिए। चलिए देखिए हम इसके आंसर को सॉल्व करते हैं बच्चों। सबसे पहले इथाइल ब्रोमाइड या ब्रोमोइथेन का फार्मूला क्या होता है हमें नहीं मालूम, दो कार्बन और ये Br। तिवारी सर क्यों लिखा आपने, Br मतलब ब्रोमाइड, इथाइल है मतलब दो कार्बन होने चाहिए, चलिए बैलेंस करते हैं, एक CH3 ये हो गया, एक CH2 ये हो गया। तो बच्चों अगर कोई आपसे पूछे कि इथाइल ब्रोमाइड का फार्मूला क्या होगा, तो फिर से लिखते हैं दोबारा, ठीक है, ये हमारा फार्मूला होगा CH3, ये होगा CH2 और ये होगा Br, दो कार्बन बना दीजिए, Br जोड़ दीजिए और उसको बैलेंस कर दीजिए। किससे रिएक्शन हो रही है, एल्कोहलिक पोटेशियम हाइड्रोक्साइड से। तिवारी सर इसका मतलब क्या हुआ, ऐसा पोटेशियम हाइड्रोक्साइड है जो एल्कोहल में डिजोल्व करके बनाया गया है, है ना, इसका नाम सबको मालूम है इथाइल ब्रोमाइड, इसका नाम इथाइल ब्रोमाइड होगा, या हम इसको क्या बोल सकते हैं, हम इसको ब्रोमोइथेन भी कह सकते हैं, इसका नाम सबको मालूम है एल्कोहलिक पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। अब देखिए बच्चों क्या होता है, फंक्शनल ग्रुप से जुड़ने वाला पहला कार्बन कहलाता है अल्फा कार्बन, क्या कहलाता है बच्चों, अल्फा कार्बन। फंक्शनल ग्रुप से जुड़ने वाला दूसरा कार्बन हमारा कहलाता है बीटा कार्बन। फंक्शनल ग्रुप से जुड़ने वाला पहला कार्बन कहलाता है अल्फा कार्बन और फंक्शनल ग्रुप से जुड़ने वाला दूसरा कार्बन हमारा कहलाता है बीटा कार्बन। अब देखिए इसको हम बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन भी कहते हैं, ये देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है, इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन। अब आप एक काम करिए, एक Br ये निकल गया और एक K ये निकल गया, देखिए इसको डिहाइड्रोहेलोजिनेशन भी कहते हैं, हाइड्रोजन का निकलना, हेलोजन का निकलना। तो पहले क्या हो गया, इस K के साथ एक Br निकल गया, तो क्या निकल गया, KBr, चलिए भाई प्लस ये हमने लिख दिया KBr निकल गया। यहाँ से ये OH और बीटा वाला H, ध्यान रखना बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन। क्यों तिवारी सर, हम अल्फा से निकाल देंगे तो क्या होगा, अल्फा से यदि आप निकालेंगे आपका कोई भी प्रोडक्ट नहीं बनेगा, तो आपका जो H निकलेगा, जो हाइड्रोजन निकलेगा, वो हमेशा बीटा से निकलेगा, तो OH ये हो गया और एक H बीटा का। देखिए K और Br, KBr तो निकल गया, एक OH ये और एक H बीटा का, तो जब बीटा का H निकालोगे बच्चों तो H और OH क्या हो गया, H2O, भाई यहाँ का H और यहाँ का OH H2O। अब तुम्हारे पास क्या बचा, यहाँ CH2, सिंगल बॉन्ड CH2। हमारा जो मेन प्रोडक्ट बचा बच्चों वो ये बचा CH2 सिंगल बॉन्ड CH2। कार्बन की वैलेंसी कितनी हुई, 2 1 3, इसकी भी वैलेंसी कितनी हुई, 2 1 3, होनी कितनी चाहिए, 4, तो यहाँ हमने लगा दिया डबल बॉन्ड, तो ये हो गया C2H4। C2H4 हम किसे बोलते हैं बच्चों, इट इज़ कॉल्ड एज इथीन और इन जनरल इट इज़ कॉल्ड एज एल्कीन।
तो इसको हम बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन क्यों कहते हैं, बिकॉज योर हाइड्रोजन एटम इज रिमूव्ड फ्रॉम बीटा कार्बन एटम। तो यदि आपके पेपर में पूछा जाए व्हाट इज डिहाइड्रोहैलोजिनेशन रिएक्शन, तो दिस इज डिहाइड्रोहैलोजिनेशन रिएक्शन। डी मतलब निकालना, हाइड्रोजन इज रिमूव्ड फ्रॉम बीटा कार्बन एटम एंड हैलोजन इज ऑल्सो रिमूव्ड, देयरफॉर इट इज कॉल्ड एज डिहाइड्रोहैलोजिनेशन रिएक्शन। व्हाई इट इज कॉल्ड एज बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन, बिकॉज हाइड्रोजन एटम इज रिमूव्ड फ्रॉम बीटा कार्बन एटम। What happens when bromoethane reacts with alcoholic potassium hydroxide? So when ethyl bromide or bromoethane reacts with alcoholic potassium hydroxide, then beta elimination reaction takes place. Yeah, dehydrohalogenation takes place. Or kya banta hai? Ethene or alkene is formed. Is there any problem, bachcho? Note down. Isko note kar lijiye. Pause kariye. Pause karne ke baad isse note kariye. Bachcho, hum kis par based question padh rahe hain? हम क्वेश्चंस पढ़ना है बेस्ड ऑन द मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ एल्कीन। देखिए हमने एल्कीन बना लिया, हमने एल्कीन बना लिया है ना, बनाया कि नहीं बनाया, बिल्कुल बनाया। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब सपोज करिए आपको पेपर में इस तरह से पूछते हैं क्वेश्चन है ना, व्हाट हैपेंस व्हेन, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पेपर में आ चुका है, व्हाट हैपेंस व्हेन व्हेन इथाइल एल्कोहल, कॉमन नेम लिख रहा हूं मैं बच्चों, इथाइल When ethyl alcohol is its common name, IUPAC name is ethanol. Ethanol is heated with concentrate sulfuric acid. Is heated with concentrate sulfuric acid. हमारा क्वेश्चन ये है बच्चों कि क्या होता है जब आप इथेनॉल को concentrate sulfuric acid के साथ गर्म करते हो। चलिए भाई बताइए, इथेनॉल का फार्मूला कोई बताएगा? CH3CH2OH। तिवारी सर आप तो डायरेक्ट लिख लेते हो, हमें इथेनॉल का फार्मूला ही नहीं मालूम कैसे लिखना है। चलिए मैं आपको तरीका बताऊं, सिंपल तरीका बताऊं। एथ मतलब कितने कार्बन, दो कार्बन, एन इथेनॉल और OH लगा दो तो ये हो गया इथेनॉल, प्रोपेनॉल तो प्रोप लिख के OH लगा दो। चलिए बैलेंस करते हैं, कार्बन की वैलेंसी एक है, यहाँ थ्री लगा दिया, इस कार्बन की वैलेंसी दो है, यहाँ दो लगा दिया, तो C2H5OH। ये किसका फार्मूला हो गया, ये फार्मूला हो गया इथेनॉल का। किसकी प्रेजेंस में गर्म कर रहे हैं, इसको हीट कर रहे हैं इन द प्रेजेंस ऑफ कॉन्सेंट्रेट सल्फ्यूरिक एसिड, इट इज हीटेड इन द प्रेजेंस ऑफ कॉन्सेंट्रेट सल्फ्यूरिक एसिड। प्यारे बच्चों आपने पढ़ा होगा कॉन्सेंट्रेट सल्फ्यूरिक एसिड इज कॉल्ड एज डिहाइड्रेटिंग एजेंट। ये कौन सा एजेंट कहलाता है बच्चों, डिहाइड्रेटिंग एजेंट कहलाता है, ये पानी को निकाल देता है। तो एक OH यहाँ से निकलेगा बच्चों और एक H यहाँ से निकलेगा, तो OH ये और H ये, तो OH और H क्या निकल गया, OH और H बच्चों ये निकल गया हमारा H2O, ये OH और H H2O, क्या बचा, यहाँ पर बचा CH2, यहाँ पर बचा CH2, तो ये हमारा बच गया CH2 सिंगल बॉन्ड CH2, CH2 सिंगल बॉन्ड CH2, ये N नहीं है, कन्फ्यूज मत होना, ये H है। अब बैलेंस करना है, दो और एक तीन, दो और एक तीन, ये डबल बॉन्ड आ गया, क्या बन गया C2H4। जरूरी नहीं आप बॉन्ड के फॉर्मेट में लिखो, आप इसको C2H4 ऐसे भी लिख सकते हो। सो दिस इज कॉल्ड एज इथीन और इन जनरल इट इज कॉल्ड एज एल्कीन। पेपर में पूछे जाने का तरीका, हो सकता है आधी रिएक्शन आपको दे दे और आपको आधी रिएक्शन लिखने को कहा जाए। तो यहां तक है, जब H2SO4 आएगा, तिवारी सर डिहाइड्रेटिंग एजेंट है OH और H, देखिए यहां भी आप ध्यान रखिए, यहां भी जो आप हाइड्रोजन निकाल रहे हैं वह बीटा से ही निकाल रहे हैं, तो एक तरह से यह भी बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन है। तो OH हो गया, H आप बीटा से निकाल रहे हैं तो OH H2। यहां पर एक कंफ्यूजन है कि तिवारी सर अगर मान लो हम यहां से H निकाल दें, तो आप निकाल के देख लीजिए आपका कोई प्रोडक्ट ही नहीं बनेगा, डबल बॉन्ड लगाने के बाद भी कोई आपका प्रोडक्ट नहीं बनेगा। तो यदि आपसे पेपर में पूछा जाए कि क्या होता है जब इथेनॉल को कंसंट्रेट सल्फ्यूरिक एसिड की प्रेजेंस में गर्म करते हैं, तो हमारा आंसर ये होगा कि जब हम इथेनॉल को कंसंट्रेट सल्फ्यूरिक एसिड की प्रेजेंस में हीट करते हैं तो हमें क्या मिलता है बच्चों, वी विल गेट इथीन और इन जनरल वी कैन कॉल्ड एज एल्कीन। इज इट क्लियर? चलिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सो मेनी टाइम्स इट हैज बीन आस्क्ड इन एग्जामिनेशन। बच्चों आगे जो हम क्वेश्चंस पढ़ेंगे इट इज बेस्ड ऑन, अगला जो हमारा क्वेश्चन है इट इज बेस्ड ऑन केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एल्कीन। अब जो हम क्वेश्चन करने जा रहे हैं ये एल्कीन की केमिकल प्रॉपर्टीज पर बेस्ड है। ठीक, क्या है क्वेश्चन, क्वेश्चन को ध्यान से सुनिए, राइट डाउन रिएक्शन ऑफ इथीन विथ क्लोरीन। मान लीजिए किसी ने आपसे कहा कि
कि इथेन की क्लोरीन से रिएक्शन लिखिए, ठीक है भाई, राइट डाउन रिएक्शन ऑफ इथीन विथ क्लोरीन, रिएक्शन ऑफ इथीन इथीन विथ क्लोरीन, इथीन की क्लोरीन के साथ रिएक्शन लिखिए, या पेपर में आधी रिएक्शन लिखिए आधी आपको लिखना है, कोई टेंशन नहीं तिवारी सर, कोई टेंशन नहीं, एक मिनट का काम है। एथ, एथ का मतलब कितने कार्बन, दो कार्बन, इन, इन मतलब दोनों के बीच में डबल बॉन्ड, कार्बन की वैलेंसी चार, दो और दो चार, दो और दो चार, बिल्कुल सही तिवारी सर, समझ गए, इसका नाम क्या होगा, इथीन, इट्स नेम विल बी इथीन, इज इट क्लियर बच्चों, इसका नाम क्या होगा, इसका नाम होगा इथीन, किससे रिएक्शन हो रही है, क्लोरीन से, क्लोरीन का फार्मूला क्या होगा, Cl2, इसका नाम हो गया क्लोरीन, ClRoIne क्लोरीन। अब बच्चों क्या होता है, जब क्लोरीन से रिएक्शन होगी तो एक Cl यहाँ जुड़ जाता है, दूसरा Cl यहाँ जुड़ जाता है, ये कौन सी रिएक्शन होगी, दिस इज एडिशन रिएक्शन, अगर बच्चों नंबर ऑफ बॉन्ड कम हो तो वो एडिशन रिएक्शन होती है, नंबर ऑफ बॉन्ड बढ़े तो वो एलिमिनेशन रिएक्शन होती है, और नंबर ऑफ बॉन्ड में कोई भी चेंज नहीं हो तो वो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होती है। तो यहां पर हम ये देखें, तो यहां पर जो इथीन है जब क्लोरीन से जुड़ता है तो एक सीएल यहां जुड़ेगा, दूसरा सीएल बच्चों सेकंड पे जुड़ेगा, और हमारा जो प्रोडक्ट है वो जाएगा CH2Cl, सिंगल बॉन्ड CH2Cl, डबल बॉन्ड सिंगल में कन्वर्ट हो जाएगा, तो एक सीएल कार्बन नंबर वन से जुड़ा है, दूसरा सीएल कार्बन नंबर टू से जुड़ा है, देखिए कार्बन नंबर वन कार्बन नंबर टू, तो इसका नाम होगा 1,2, इसका यदि हम नाम लिखें बच्चों तो 1,2 डाइक्लोरो 1,2 डाइक्लोरो इथेन, ठीक है इथीन। तो पेपर में ये भी कह सकते हैं कि हाउ विल यू कन्वर्ट इथीन इनटू 1,2 डाइक्लोरो इथेन, आप इथीन से 1,2 डाइक्लोरो इथेन कैसे बनाएंगे, तो आप ये रिएक्शन लिख सकते हैं। सपोज करिए आपके पेपर में क्वेश्चन दिया, उन्होंने एक रिएक्शन लिख के दिया, एक कार्बन दो कार्बन तीन कार्बन प्रोप, डबल बॉन्ड लगा दिया इन प्रोपीन, यहाँ सिंगल बॉन्ड है, कार्बन की वैलेंसी चार होनी चाहिए, CH3 है, यहाँ CH हो गया और हो गया CH2, अगर मैं इसका नाम लिखूँ तो इसका नाम होगा बच्चों प्रोपीन, प्रोपीन की रिएक्शन हम करवाते हैं मान लीजिए ब्रोमीन से, Br2 से, दिस इज कॉल्ड एज ब्रोमीन, आपसे कहा गया कि तिवारी सर प्रोपीन की ब्रोमीन से रिएक्शन लिखिए, ये आपका अगला क्वेश्चन है, टेंशन ना लीजिए, ये डबल बॉन्ड है, ये Br2 है, एक Br, देखिए एडिशन ऑफ हैलोजन टेक्स प्लेस अक्रॉस डबल बॉन्ड, एक Br यहाँ जोड़ दो दूसरा Br यहाँ जोड़ दो, तो क्या बन जाएगा बच्चों, ये बन जाएगा CH3CH, ये हो जाएगा Br, ये हो जाएगा CH2 और ये हो जाएगा Br, पहला Br कार्बन नंबर वन से जुड़ा है, देखिए नंबरिंग यहाँ से नहीं करेंगे 1,2,3 क्योंकि यहाँ पर हैलोजन पहले नहीं जुड़ा, यहाँ पर हैलोजन पहले जुड़ा है, तो 1,2,3, ये 1 ये 2 ये 3, तो एक ब्रोमो 1 पर है एक ब्रोमो 2 पर है, तो हो जाएगा 1,2 डाई ब्रोमो 1,2 डाई ब्रोमो, तीन कार्बन है प्रोप, प्रोप का एन बनाया, तो इट इज कॉल्ड एज प्रोपेन, सो दिस इज कॉल्ड एज 1,2 डाई ब्रोमो प्रोपेन, इज देयर एनी प्रॉब्लम टू एनीवन बच्चों, नोट डाउन इन योर कॉपी, चलिए इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू, चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चों। देखिए इस प्रॉपर्टी का सबसे जो ट्रेमेंडस और सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन है वो है मार्कोनिकोफ्स रूल, है ना, ये जो मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूँ बच्चों वेरी मच इम्पॉर्टेंट फ्रॉम एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू, आपकी परीक्षा की दृष्टि से ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, समझिएगा। इस क्वेश्चन को बताने के पहले बच्चों मैं आपको एक कॉन्सेप्ट बताना चाहूँगा विच विल बी वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू, जो बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों। अगर मैं आपसे इथीन का फार्मूला लिखने को बोलता हूँ, इथीन, एथ मतलब कितने कार्बन, दो कार्बन, डबल बॉन्ड लगा दिया इन हो गया, कार्बन की वैलेंसी चार, दो और दो चार, दो और दो चार, अगर मैं आपसे पूछूं कि इसका नाम क्या है तो आप बोलोगे तिवारी सर इस कंपाउंड का नाम होगा इथीन, क्या होगा इथीन। अगर मैं आपसे पूछूं कि ये कौन सा एल्कीन होगा, ये एल्कीन होगा कि नहीं होगा, तिवारी सर एल्कीन होगा क्योंकि दो कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है, लेकिन कौन सा एल्कीन होगा,
ये होगा सिमेट्रिक एल्कीन। क्यों? क्योंकि अगर मैं बीच से इसको काटूं, अगर मैं इसको बीच से काटूं तो इसके दोनों टुकड़े बराबर होंगे, या ऐसा कह दें कि डबल बॉन्ड से जुड़ने वाले जो दोनों कार्बन हैं इनके पास हाइड्रोजन की संख्या बराबर है, तो हम उसको क्या बोलते हैं, ऐसे कंपाउंड को हम बोलेंगे बच्चों सिमेट्रिक एल्कीन। कौन सा एल्कीन? सिमेट्रिक एल्कीन। चलिए एक और एग्जांपल लिखता हूं बच्चों। मैंने लिखा एक कार्बन, दो कार्बन, तीन कार्बन, चार कार्बन, है ना। दूसरे वाले में लगा दिया डबल बॉन्ड, बाकी के बीच में लगा दिया सिंगल बॉन्ड। कार्बन की वैलेंसी देखते हैं, तीन और एक चार, दो और एक तीन है, एक हाइड्रोजन चार, दो और एक तीन है, एक हाइड्रोजन चार, एक और ये तीन है। अगर मैं आपसे पूछूं कि इस कंपाउंड का नाम क्या होगा, मैं बाद में मिटा दूंगा, 1 2 3 4 चार कार्बन है बच्चों, तो इसको हम कहेंगे ब्यूट। डबल बॉन्ड है तो हम कहेंगे ईन, तो ये हो जाएगा ब्यूटीन। डबल बॉन्ड किस किस के बीच में है? टू और थ्री के बीच में है। छोटा कौन है? टू। तो बच्चों इस कंपाउंड का नाम हमारा हो जाएगा टू ब्यूटीन। क्या हो जाएगा बच्चों? टू ब्यूटीन। या कभी कभी तिवारी सर हमने ये भी पढ़ा है, दोनों बात एक ही है, आप इसको टू ब्यूटीन कह दो तो भी सही है, या ब्यूट टू इन कह दो तो भी सही है। चलिए अगर आप इसको बीच से काटें तो दोनों टुकड़े इसके बराबर है। चलिए अब मैं इसको मिटा देता हूँ, आईपीएससी नेम के लिए मैंने बताया था, दोनों टुकड़े बराबर है, सिमेट्रिक एल्कीन है। या यूं कह लें कि डबल बॉन्ड से जुड़ने वाले जो दो कार्बन हैं दोनों के पास हाइड्रोजन इक्वल है, तो ऐसा जो एल्कीन होगा बच्चों उसे हम कौन सा एल्कीन बोलेंगे? दैट इज कॉल्ड एज सिमेट्रिक एल्कीन। कौन सा एल्कीन कहलाएगा बच्चों? उसे हम सिमेट्रिक एल्कीन कहेंगे। तो ये दोनों सिमेट्रिक हैं। चलिए तीसरा एग्जांपल दे रहा हूँ मैं आपको, प्रोपीन का मुझे एग्जांपल लिखना है। प्रोपीन, प्रोप मतलब कितने कार्बन, तिवारी सर तीन कार्बन, इन मतलब दो के बीच में डबल बॉन्ड बाकी सिंगल बॉन्ड। किसी भी दो के बीच में सिंगल डबल बॉन्ड लगाएंगे, कार्बन की वैलेंसी को बैलेंस करते हैं बच्चों। चलिए एक कार्बन वैलेंसी एक, सी एस थ्री, वैलेंसी तीन, तीन और एक चार, दो, दो और दो चार, इसका नाम क्या हो गया? इसका नाम हो गया प्रोपीन। इसका नाम क्या हो गया बच्चों? प्रोपीन। सीधे लिख रहा हूँ मैं ताकि आपको याद रखने में मदद मिले। अगर कोई पूछे भाई इसका नाम क्या है तो हम बोलेंगे प्रोपीन। बच्चों अगर कोई आपसे पूछे कि प्रोपीन कौन सा एल्कीन है, सिमेट्रिक है कि एसिमेट्रिक है? एसिमेट्रिक है। अगर आप बीच में से काटें, ये टुकड़ा बड़ा है और ये टुकड़ा छोटा है। एक और तरीका, डबल बॉन्ड से जुड़ने वाले जो दो कार्बन है एक के पास एक हाइड्रोजन है, दूसरे के पास दो हाइड्रोजन, ये भी एक तरीका है कि इन दिस वे वी कैन ऑल्सो से विच विल बी सिमेट्रिक एंड विच विल बी एसिमेट्रिक। तो ये जो एल्कीन है बच्चों इसे हम कौन सा एल्कीन बोलेंगे? इसे हम एसिमेट्रिक एल्कीन कहेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं, चौथा नंबर फोर एंड लास्ट वन आपको पढ़ाने की दृष्टि से। अगर कोई बोले वन, देखिए टू ब्यूटीन सिमेट्रिक था, टू ब्यूटीन आपका सिमेट्रिक था। चलिए वन ब्यूटीन, एक कार्बन, दो कार्बन, तीन कार्बन, चार कार्बन, वन के बाद डबल बॉन्ड बाकी सब सिंगल बॉन्ड, बैलेंस करते हैं, सी एस थ्री, दो, दो चार, दो और एक तीन, तीन और एक चार, दो, दो और एक चार, दो और दो चार, इसका नाम क्या होगा? इसका नाम होगा वन ब्यूटीन। वन ब्यूटीन क्यों? देखिए नंबरिंग करते हैं, चलिए आपको बताने के लिए, वन टू थ्री फोर, चार है तो ब्यूट, डबल बॉन्ड है इन ब्यूटीन, डबल बॉन्ड वन टू के बीच में, छोटा वन है तो वन ब्यूटीन, ठीक है। अब मैं इसको मिटा देता हूँ, वन ब्यूटीन, ये कौन सा है, सिमेट्रिक है कि एसिमेट्रिक है? ये एसिमेट्रिक है। क्यों? अगर हम बीच में से काटेंगे तो ये टुकड़ा बड़ा है, ये टुकड़ा छोटा है। या दूसरे शब्दों में, डबल बॉन्ड के क्रॉस इसके पास एक हाइड्रोजन है, इसके पास दो हाइड्रोजन है, तो ये भी कौन सा एल्कीन कहलाएगा बच्चों? ये भी कहलाएगा एसिमेट्रिक, एसिमेट्रिक एल्कीन कहलाएगा। कोई प्रॉब्लम? चलिए तो इसको नोट कर लीजिए कि क्या होते हैं सिमेट्रिक एल्कीन और क्या होते हैं एसिमेट्रिक एल्कीन। अगला जो हमारा रूल है बच्चों, ये बहुत इंपॉर्टेंट रूल है, हमारे पेपर में कई तरह के क्वेश्चन आते हैं उस पर बेस्ड, कैसे आते हैं, क्यों आते हैं, ये मैं आपको बताने जा रहा हूँ। चलिए दैट्स अ बिग क्वेश्चन। हमारा क्वेश्चन है बच्चों, व्हाट इज मार्कोनिकॉफ्स रूल, व्हाट इज मार्कोनिकॉफ्स रूल, गिव एग्जांपल, गिव एग्जांपल। बच्चों कुछ किताबों में वी लिखा है, कुछ किताबों में डबल एफ लिखा होता है, बात एक ही है, आप किसी भी फॉर्मेट में इसको लिख सकते हैं। चलिए आंसर देखते हैं, आंसर देखते हैं हम इसका। बच्चों जब हम इसका आंसर देखेंगे
तो पहले तो बात ये ध्यान रखिए कि मार्कोनिकोफ्स रूल जो लगता है वो हमेशा एसिमेट्रिक एल्कीन में लगता है। किस में लगता है? एसिमेट्रिक एल्कीन में लगता है। तो चलिए मैं ले रहा हूँ प्रोपीन, एक कार्बन, दो कार्बन, तीन कार्बन। यहाँ मैंने तीन कार्बन लिया प्रोप, डबल बॉन्ड लगा दिया इन, बाकी सिंगल बॉन्ड। कार्बन की वैलेंसी एक और तीन चार, दो और एक तीन, तीन और एक चार, दो और दो चार। क्या नाम होगा बच्चों? तिवारी सर इसका नाम होगा प्रोपीन। या अगर हम इसको कहना चाहें तो हम इसको ये भी कह सकते हैं कि ये जो है एसिमेट्रिक एल्कीन है। बच्चों कैसे पता चला ये एसिमेट्रिक एल्कीन है? क्योंकि डबल बॉन्ड के अक्रॉस जो दो कार्बन है, एक कार्बन के पास हाइड्रोजन कम है और दूसरे के पास हाइड्रोजन ज़्यादा है, ये एसिमेट्रिक एल्कीन है। बच्चों इनकी रिएक्शन होती है HBr के साथ। किसके साथ होती है? HBr के साथ, या HCl के साथ, या HI के साथ। इसका नाम है हाइड्रोब्रोमिक एसिड। अगर मैं इसका नाम लिखूं बच्चों तो इसका नाम है हाइड्रोब्रोमिक एसिड। अगर मैं इसका जनरल नाम लिखूं तो इसका जनरल नाम है हेलोजन एसिड। सुरेश, रमेश, दिनेश, ये तो उनके इंडिपेंडेंट नेम है, जनरल हम उनको लड़का कह सकते हैं। इसी तरह से बच्चों HBr, HCl, HI, हाइड्रोआयोडिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, हाइड्रोब्रोमिक एसिड, इन जनरल इट इज़ कॉल्ड एज हेलोजन एसिड। चलिए साहब अब हम रिएक्शन को लिखना चालू करते हैं। बच्चों आपने पढ़ा होगा हेलोजन कंटेन नेगेटिव चार्ज। हेलोजन पे कौन सा चार्ज होता है? नेगेटिव चार्ज। हाइड्रोजन कंटेन पॉजिटिव चार्ज। ठीक, होता क्या है बच्चों, जब किसी भी एल्कीन की एसिमेट्रिक होना चाहिए, वो मार्कोनिकोफ्स रूल में मस्ट कंडीशन है कि वो एसिमेट्रिक होना चाहिए, कि हेलोजन एसिड से रिएक्शन होती है या हाइड्रोब्रोमिक एसिड या क्लोरिक से रिएक्शन होती है, तो हेलोजन एसिड का जो नेगेटिव पार्ट है वो डबल बॉन्ड के उस कार्बन से जुड़ता है जिस पर हाइड्रोजन कम होता है। याद रखने का तरीका बता दूं, माइनस मतलब कम, तो नेगेटिव वाले को कम वाले हाइड्रोजन से जोड़ो, और जो पॉजिटिव पार्ट है उसको डबल बॉन्ड के क्रॉस जुड़ने वाले उस कार्बन से जोड़ो जिस पर हाइड्रोजन की संख्या ज़्यादा होती है। मतलब प्लस मतलब ज़्यादा, ज़्यादा को ज़्यादा वाले से, कम को कम वाले से। क्या बन जाएगा बच्चों बताओ, क्या हो जाएगा इसका? ये हो जाएगा CH3, है ना, सिंगल बॉन्ड CH, CH से कौन जुड़ गया? Br। तो ये आपका जुड़ गया Br, है ना, डबल की जगह क्या आ जाएगा? सिंगल। देखिए बच्चों Br यहाँ आ गया, मैं इस तरफ चले जाऊँ आपको प्रॉब्लम नहीं हो। देखिए ये जो नेगेटिव पार्ट था Br का, ये कम वाले CH से जुड़ गया, पॉजिटिव पार्ट जो था वो ज़्यादा वाले से जुड़ गया, तो Br यहाँ जुड़ गया, ये हो गया Br। अब डबल की जगह सिंगल क्यों आ गया? कार्बन की वैलेंसी चेक करिए, एक दो तीन चार, डबल लगा देंगे पाँच हो जाएगा, और ये हो जाएगा CH3। नाम 1 2 3, नाम देखिए 1 2 3, टू से ब्रोमो जुड़ा है तो इसका नाम हो जाएगा 2 ब्रोमो। ठीक है, 2 ब्रोमो, एक दो तीन प्रोप, सिंगल बॉन्ड एन, तो इसका नाम हो जाएगा 2 ब्रोमो प्रोपेन। तो कोई अगर आपसे पूछे कि भाई मार्कोनिकोफ्स रूल क्या होता है, तो आप बोलोगे कि वैन प्रोपीन। या देखिए थ्योरी में कोई दम नहीं है, थ्योरी में कोई दम नहीं है, जो लिखा है वही आपको बताना है कि वैन प्रोपीन या ब्रेकिट में सिमेट्रिक एल्कीन रिएक्ट विथ हाइड्रोब्रोमिक एसिड, द नेगेटिव पार्ट अटैच विथ दैट कार्बन एटम ऑफ डबल बॉन्ड विच हैज लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम, पॉजिटिव पार्ट अटैच विथ दैट कार्बन एटम विच हैज मोर नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम एंड 2 ब्रोमो प्रोपेन इज फॉर्म। दिस रूल इज कॉल्ड एज मार्कोनिकोफ्स रूल। ठीक है, आप इसको अगर लिखना चाहें तो आप इसको इस तरह से लिख सकते हैं। क्या ध्यान दीजिए कि वैन प्रोपीन ब्रेकिट में एसिमेट्रिक एल्कीन, ए जो लिखा है बच्चों इसका नाम हो जाएगा एसिमेट्रिक एल्कीन। ठीक है, रिएक्ट्स विथ, किससे रिएक्ट कर रहा है? रिएक्ट्स विथ हाइड्रोब्रोमिक एसिड या हेलोजन एसिड, रिएक्ट विथ हाइड्रोब्रोमिक एसिड, इन जनरल इट इज कॉल्ड एज हेलोजन एसिड। तो क्या होता है? देन नेगेटिव पार्ट, देन नेगेटिव पार्ट ऑफ HBr, हेलोजन एसिड का जो नेगेटिव पार्ट है, अटैच विद दैट कार्बन, देखिए नेगेटिव पार्ट डबल बॉन्ड के उस कार्बन से जुड़ता है, अटैच विथ दैट कार्बन ऑफ डबल बॉन्ड, डबल बॉन्ड विच हैज
लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम विच हैज लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम, मतलब जिसके पास हाइड्रोजन कम होता है उससे निगेटिव जुड़ता है, पॉजिटिव किससे जुड़ता है, एंड पॉजिटिव पार्ट अटैच विथ दैट कार्बन विच हैज मोर नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम, है ना, दैट कार्बन विच हैज मोर नंबर ऑफ हाइड्रोजन, जिसके पास ज़्यादा हाइड्रोजन होता है, मोर नंबर ऑफ हाइड्रोजन, और क्या बनता है, एंड क्या बनता है, मेन प्रोडक्ट क्या बनता है, टू ब्रोमो प्रोपेन इज फॉर्म, क्या बनता है बच्चों, टू ब्रोमो प्रोपेन इज फॉर्म। ये जो हमारा रूल है बच्चों, इस रूल को हम मार्कोनिकॉफ्स रूल कहते हैं, इस रूल को हम बोलते हैं मार्कोनिकॉफ्स रूल कहते हैं। एक बार फिर से बोल के बताता हूँ बच्चों, ध्यान से सुनिए, व्हेन प्रोपीन और एसिमेट्रिक एल्कीन रिएक्ट्स विथ HBr अक्रॉस कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, देन नेगेटिव पार्ट ऑफ हैलोजन एसिड अटैच विथ दैट कार्बन विच हैज लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम, पॉजिटिव, देखिए अपने मन से लिखने वाली चीज़ें हैं, रटिए मत, पॉजिटिव पार्ट अटैच विथ दैट कार्बन विच हैज मोर नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम एंड टू ब्रोमो प्रोपेन इज फॉर्म, दिस रूल इज कॉल्ड एज मार्कोनिकॉफ्स रूल। एक कन्फ्यूजन सर, देखिए पेपर में ये भी हो सकता है कि आधी रिएक्शन लिखी है, आधी रिएक्शन आपको लिखना है, ठीक है, हाफ रिएक्शन रिटर्न, हाफ आपको लिखना है। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन हमारे दिमाग में आता है कि तिवारी सर ऐसा होता क्यों है कि जो नेगेटिव पार्ट है वो कम वाले से जुड़ता है, पॉजिटिव पार्ट ज़्यादा वाले से जुड़ता है। इसके लिए बच्चों हम इस रिएक्शन का मैकेनिज्म देखेंगे, क्या देखेंगे, रिएक्शन का मैकेनिज्म कि ऐसा होता क्यों है। चलिए पॉज करिएगा, पॉज करके सारी चीज़ें अच्छे से नोट कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए देखते हैं भाई कि अगर ऐसा होता है तो इसके पीछे राज क्या है। तो बच्चों कभी कभी हमारे पेपर में जो क्वेश्चन आता है वो इस तरह से आता है, व्हाट इज मार्कोनिकॉफ रूल एंड राइट डाउन इट्स मैकेनिज्म। तो अगला जो हमारा क्वेश्चन होगा वो हमारे पेपर में जो पूछा आता है वो इस तरह से पूछा आता है कि राइट डाउन मैकेनिज्म ऑफ मार्कोनिकॉफ्स रूल, मार्कोनिकॉफ्स रूल का मैकेनिज्म लिखिए, राइट डाउन मैकेनिज्म ऑफ मार्कोनिकॉफ्स रूल। मान लीजिए पेपर में आ गया कि व्हाट इज मार्कोनिकॉफ्स रूल, तो वो आपने तो लिख दिया वो रिएक्शन जो मैंने पता था, उसका मैकेनिज्म क्या है। अब मैकेनिज्म को ध्यान से सुनिए आंसर बच्चों, अगर आपने रिएक्शन देखी हो तो हमारी जो रिएक्शन थी वो क्या थी, वो ध्यान से देखिए, हमारी रिएक्शन ये थी CH3, है ना, हमारी जो रिएक्शन थी वो ये थी CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 प्लस HBr, ये नेगेटिव था, ये पॉजिटिव था, नेगेटिव कम वाले से, पॉजिटिव ज़्यादा वाले से, और हमारा जो प्रोडक्ट था वो था CH3 CH, ये था Br और ये था CH, यही हमारी इक्वेशन थी, जो हमारी रिएक्शन थी वो यही थी, है ना। इसका नाम अगर आपने नाम लिखा हो उसके पहले, तो इसका नाम था प्रोपीन, मैं यहाँ लिख देता हूँ, इसका नाम था हाइड्रोब्रोमिक एसिड, और इसका नाम था टू ब्रोमो प्रोपेन। ये हमारी इक्वेशन थी। पेपर में हमसे क्या किया गया, मैकेनिज्म लिखो मार्कोनिकॉफ्स रूल का। अब ध्यान से सुनिएगा, अब हम यहाँ पे लिखने जा रहे हैं मैकेनिज्म, यही तो रिएक्शन थी मार्कोनिकॉफ के रूल की। सबसे पहले हम क्या करते हैं बच्चों, हाइड्रोब्रोमिक एसिड लेते हैं, HBr लेते हैं, इस HBr का नाम क्या है, हाइड्रोब्रोमिक एसिड, इसको पानी में घोलते हैं, जब हम इसको पानी में डिसॉल्व करते हैं बच्चों तो ये टूटता है, ये बनाता है H पॉजिटिव और ये बनाता है Br निगेटिव, ये कौन सा आयन हो गया, ये हो गया हाइड्रोजन आयन, और ये कौन सा हो गया बच्चों, ये हो गया हमारा ब्रोमाइड आयन। एनी प्रॉब्लम, देखिए ये जो मैंने इक्वेशन बताया है ना, ये इक्वेशन कैसे आई, नेगेटिव कम वाले से क्यों जुड़ रहा है, पॉजिटिव ज़्यादा वाले से क्यों जुड़ रहा है, उसी से रिलेटेड ये हमारा मैकेनिज्म है। चलिए आगे बढ़ते हैं, ये हमारा मैकेनिज्म का
पहला स्टेप हो गया, थोड़ा सा मैं हटकर लिख रहा हूँ, ये हो गया मैकेनिज्म, और ये हमारे मैकेनिज्म का कौन सा स्टेप हो गया, पहला स्टेप हो गया। चलिए दूसरा स्टेप देखते हैं मैकेनिज्म का, प्रोपीन, प्रोपीन का फार्मूला क्या होगा बोलो, CH3CH डबल बॉन्ड CH2। अब हम क्या करते हैं बच्चों, इस प्रोपीन से इस प्रोटॉन को जोड़ते हैं, प्रोपीन से हम इस प्रोटॉन को जोड़ते हैं। बच्चों ये प्रोटॉन दो तरह से जुड़ सकता है, पहली चीज देखिए डबल बॉन्ड है ना, कोई भी चीज़ डबल बॉन्ड के अक्रॉस जुड़ती है। पहली चीज़ तो ये हो सकती है कि ये वाला प्रोटॉन पहले वाले कार्बन से जुड़ जाए, सही है। दूसरी कंडीशन क्या हो सकती है कि ये प्रोटॉन दूसरे वाले कार्बन से जुड़ जाए। तिवारी सर यहाँ क्यों नहीं जुड़ रहा, क्योंकि इन दोनों के बीच में डबल बॉन्ड नहीं है, डबल बॉन्ड के अगल बगल जुड़ता है, तो दो ही कंडीशन है, या तो पहले वाले से जुड़ जाए या तो दूसरे वाले से जुड़ जाए। चलिए देखते हैं पहले वाले से जोड़ के देखते हैं, पहले वाले से अगर हम जोड़ेंगे तो CH3 CH2 और CH2, यही बनेगा। इस H को अगर मैंने पहले वाले से जोड़ दिया तो CH3 CH2 CH2, बिल्कुल सही था तिवारी सर। चलिए अब इस H को मैं दूसरे वाले से जोड़ता हूँ, है ना। अब आप पूछेंगे सर ये डबल बॉन्ड कहाँ चला गया, क्योंकि जब ये H प्लस H से जुड़ा और ये CH2 हो गया तो ये डबल बॉन्ड सिंगल में कन्वर्ट होगा, क्योंकि वैलेंसी देखिए 2, 3 और 1, 4। अब मैं क्या करता हूँ H प्लस को तीसरे वाले से जोड़ता हूँ, तो ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा CH3, ये हो जाएगा CH और ये बन जाएगा CH3। इज इट क्लियर। चलिए अब आप बैलेंसी चेक करिए, 3 और 1, 4 2, 3 और 1, 4 2 और 1, 3, इसकी वैलेंसी पूरी नहीं हो रही है पहली कंडीशन में। तो अगर इसकी वैलेंसी पूरी नहीं हो रही है तो अब क्या होगा, पहले वाले के ऊपर होगा पॉजिटिव चार्ज, क्योंकि इसकी वैलेंसी पूरी नहीं हो रही है। यहाँ देखिए 3 और 1, 4 3 और 1, 4, यहाँ देखिए 1, 2, 3, अब सेकेंड वाले की वैलेंसी पूरी नहीं हो रही है तो इस पर आएगा पॉजिटिव चार्ज। फिर से देखिए, पहली कंडीशन में हमने यहाँ जोड़ा तो तीसरे वाले की वैलेंसी पूरी नहीं हो रही है, इस पर आ गया पॉजिटिव चार्ज। दूसरी कंडीशन में बीच वाले की वैलेंसी पूरी नहीं हो रही, इस पर आ गया पॉजिटिव चार्ज। अब इन दोनों के नाम क्या हो सकते हैं, नाम देखिए। अगर बच्चों मैं पहले वाले का नाम लिखूंगा तो पहले वाले का नाम होगा 1 डिग्री कार्बोकैटायन, 1 डिग्री कार्बोकैटायन। क्यों तिवारी सर ऐसा क्यों, आपने इसे 1 डिग्री कार्बोकैटायन क्यों बोला, क्योंकि बच्चों जिस कार्बोकैटायन क्या होता है, कोई भी कंपाउंड जिसमें कार्बन हो और उस पर पॉजिटिव चार्ज हो हम उसे कार्बोकैटायन बोलेंगे। यहाँ देखिए, यहाँ भी कंपाउंड है, कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज है तो हम इसको भी कार्बोकैटायन बोलेंगे, लेकिन ये कहलाएगा 2 डिग्री कार्बोकैटायन। तिवारी सर ये बात तो समझ में आ गई कि जिस कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज होगा अगर कोई कंपाउंड है उसे कार्बोकैटायन बोलेंगे, लेकिन इसको आपने 1 डिग्री और इसको 2 डिग्री क्यों बोला। इसलिए बोला क्योंकि पॉजिटिव चार्ज वाला कार्बन सीधे एक कार्बन से जुड़ा है, तो अगर ये सीधे कार्बन से जुड़ा होता है तो उसे 1 डिग्री कार्बोकैटायन बोलते हैं। यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज वाला कार्बन 2 कार्बन से जुड़ा है तो इसे 2 डिग्री कार्बोकैटायन बोला, 3 से जुड़ा होता तो 3 डिग्री कार्बोकैटायन कहलाता। जितना ज़्यादा डिग्री कार्बोकैटायन होता है ना, मैं आपको पढ़ाऊंगा बच्चों मैकेनिज्म में, जितना ज़्यादा डिग्री कार्बोकैटायन होता है वो उतना ज़्यादा स्टेबल होता है। ये 1 डिग्री है, अगर ये 1 डिग्री है तो ये कम स्टेबल होगा, तो ये क्या होगा, ये होगा लेस स्टेबल। ये 2 डिग्री कार्बोकैटायन है, क्यों, पॉजिटिव वाला कार्बन 2 से जुड़ रहा है तो 2 डिग्री है, पॉजिटिव वाला 1 से जुड़ रहा है तो 1 डिग्री है। तो अगर ये 2 डिग्री जो कार्बोकैटायन होगा ये क्या होगा, मोर स्टेबल। तो दूसरे वाले में हमने क्या देखा कि जो हमारा प्रोपीन था ये कौन सा एल्कीन था, ये हमारा एसिमेट्रिक एल्कीन था। इस एसिमेट्रिक एल्कीन की हमने प्रोटॉन से रिएक्शन करवाया या हाइड्रोजन आयन से रिएक्शन करवाया। आप इसको प्रोटॉन भी ले सकते हो या आप इसको हाइड्रोजन आयन भी ले सकते हो, कौन सा आयन, हाइड्रोजन आयन। तीसरा और आखिरी स्टेप बच्चों ये बताओ, ज़्यादा स्टेबल कौन है, 1 डिग्री कार्बोकैटायन ज़्यादा स्टेबल है कि 2 डिग्री, तिवारी सर 2 डिग्री ज़्यादा स्टेबल है। तीसरे और आखिरी स्टेप में क्या होगा, देखो CH3 CH सिंगल बॉन्ड CH3, है ना, बीच वाले पर कौन सा चार्ज आएगा, इस पर आएगा पॉजिटिव चार्ज। अब हमने H प्लस का यूज़ तो कर लिया, 2 कंडीशन, दोनों में से हमने पहली नहीं ली दूसरी ली क्योंकि ज़्यादा स्टेबल है। इसकी रिएक्शन किससे होगी, इसकी रिएक्शन होगी बच्चों Br- से, ये निगेटिव है ये पॉजिटिव है, ये निगेटिव इस पॉजिटिव से जुड़ जाएगा तो हमारा मेन प्रोडक्ट क्या बनेगा, CH3 CH Br सिंगल बॉन्ड CH3। 1 2 3
मैं इस तरफ आ जाऊं, आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। वन टू थ्री प्रोप, प्रोप का आयन बनाया प्रोपेन, टू पे ब्रोमो लिखा है, तो इस कंपाउंड का नाम हो जाएगा बच्चों टू ब्रोमो, टू टू ब्रोमो प्रोपेन। आप देख लीजिए यही वाली रिएक्शन है, इसी का मैकेनिज्म है कि प्रोपीन की जब HBr से रिएक्शन होती है तो टू ब्रोमो प्रोपेन मिलता है। तो ये मार्कोनिकोफ रूल का मैकेनिज्म है, HBr पहले दो में टूटा, प्रोपीन की H+ से पहले रिएक्शन हुई तो वन डिग्री बना, टू डिग्री बना, वन डिग्री लेस स्टेबल है, टू डिग्री मोर स्टेबल है, मोर स्टेबल वाले को हमने लिया, Br नेगेटिव से रिएक्शन करवाया और टू ब्रोमो प्रोपेन बन गया। तो बच्चों दिस इज ऑल अबाउट द मैकेनिज्म ऑफ मार्कोनिकोफ रूल, नोट कर लीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चों, तो पॉज कर लीजिएगा, इसको बढ़िया से नोट कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार ये हमारे पेपर में पूछा गया है कि व्हाट इज मार्कोनिकोफ रूल, राइट डाउन इट्स मैकेनिज्म। तो आपको पहले मार्कोनिकोफ रूल लिखना पड़ता है, उसकी रिएक्शन लिखनी पड़ती है, और फिर उसके मैकेनिज्म में आपको कितने स्टेप लिखना पड़ता है, तीन स्टेप लिखना पड़ता है। बच्चों हमारा अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज एंटी मार्कोनिकोफ रूल, मार्कोनिकोफ के रूल का जो उल्टा है। पेपर में कई तरह से क्वेश्चन आता है, हमारा क्वेश्चन है बच्चों व्हाट इज एंटी मार्कोनिकोफ रूल, एंटी मार्कोनिकोफ, एंटी मतलब क्या होता है बच्चों, अपोजिट, तो नाम ही बता रहा है कि मार्कोनिकोफ के रूल का अपोजिट होगा। व्हाट इज एंटी मार्कोनिकोफ रूल, एंटी मार्कोनिकोफ रूल है ना, या कभी कभी बोलते हैं खरास इफेक्ट किसे कहते हैं, व्हाट इज खरास इफेक्ट, या कभी कभी हमसे पूछते हैं व्हाट इज परऑक्साइड इफेक्ट, परऑक्साइड इफेक्ट क्या होता है, ठीक है, गिव रिएक्शन, इसकी क्या लिखो, इसकी जो है, इसकी जो है रिएक्शन दो। तो बिल्कुल अपोजिट है पहले वाली जो कंडीशन है बच्चों, उसका बिल्कुल उल्टा कर दीजिए तो वो एंटी मार्कोनिकोफ रूल बन जाएगा। कैसे देखिए, मैं इसको आपको करके बताता हूँ, ध्यान दीजिएगा। सपोज करिए मैंने प्रोपीन लिया, एक कार्बन, दो कार्बन, तीन कार्बन प्रोप, डबल बॉन्ड लगाया ईन, बाकी सिंगल बॉन्ड, कार्बन की वैलेंसी तीन, दो और एक तीन, तीन और एक चार, दो और दो चार, ये हो गया प्रोपीन। मार्क एडिशन मार्कोनिकोफ रूल या एंटी मार्कोनिकोफ रूल, ये हमेशा एसिमेट्रिक एल्कीन पे लगता है। ये भी कौन सा एल्कीन है तिवारी सर, एसिमेट्रिक एल्कीन है। कैसे पता चला सर, दिन दो कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है, एक के पास कम हाइड्रोजन है, एक के पास ज़्यादा हाइड्रोजन है। चलिए यहाँ भी हम लिखते हैं HBr, कौन सा लिखते हैं बोलो, प्लस, ये हमने लिख दिया HBr। बच्चों देखो इसको एंटी मार्कोनिकोफ रूल क्यों कहते हैं, क्योंकि ये मार्कोनिकोफ के रूल का उल्टा है। इसको खरास इफेक्ट क्यों कहते हैं, क्योंकि जिस साइंटिस्ट ने इसके बारे में बताया था उसका नाम खरास था। इसको परऑक्साइड इफेक्ट क्यों कहते हैं, क्योंकि ये जो रिएक्शन होती है ये परऑक्साइड की प्रेजेंस में होती है। अपोजिट कोई चीज़ तब होगी जबकि यह परऑक्साइड के कंडीशन में होगी। तो पेपर में आप परऑक्साइड लिख दें तो भी ठीक है, या इसका फार्मूला लिख दें। परऑक्साइड का फार्मूला होता है C6H5CO2। इसका पूरा नाम होता है बच्चों बेंजोइल परऑक्साइड, क्या होता है बोलो, बेंजोइल परऑक्साइड। ये मैंने डिटेल में लिख दिया है, पेपर में इतना लिखने की जरूरत नहीं है, आप सीधे पेपर में परऑक्साइड लिख सकते हो। अब देखिए क्या होगा, Br पे कौन सा चार्ज है तिवारी सर, नेगेटिव है। इस पर कौन सा चार्ज है, पॉजिटिव है। मार्क एडिशन में क्या था, नेगेटिव वाला कम से जुड़ता था, ज़्यादा वाला ज़्यादा से जुड़ता था, प्लस वाला ज़्यादा से। एंटी मार्कोनिकोफ में परऑक्साइड के आ जाने से, बेंजोइल परऑक्साइड पूरा नाम है उसका, फार्मूला है, नेगेटिव वाला ज़्यादा वाले से जुड़ता है, पॉजिटिव वाला कम वाले से जुड़ता है, बस ये अंतर है, अपोजिट। तो अब क्या बन जाएगा आपका, पॉजिटिव वाला ज़्यादा वाले से जुड़ा तो हमारा जो कंपाउंड बना ये बन गया CH3। मैं इस तरफ खड़े हो जाता हूँ, ये हो गया CH3, CH जुड़ गया उससे, ये हो गया CH2, ये हो गया CH2, और CH2 से कौन जुड़ गया बोलो, Br। अब हमारा जो पहले जो Br जुड़ा था वो कार्बन नंबर 1 से जुड़ा था, 2 से जुड़ा था सॉरी, अब ये जो जुड़ा है ये कार्बन नंबर 1 से जुड़ा है, तो 1 ब्रोमो प्रोपेन, 1 ब्रोमो क्या नाम हो जाएगा, प्रोपेन। तो बच्चों ये जो रूल है ये एंटी मार्कोनिकोफ रूल है, एंटी मार्क एडिशन, इसको शॉर्ट में मार्क एडिशन, मार्कोनिकोफ रूल को मार्क एडिशन भी बोलते हैं, एंटी मार्कोनिकोफ रूल को एंटी मार्क एडिशन भी बोलते हैं, इसको नोट कर लीजिए। अब बच्चों मैं आपको एक क्वेश्चन, आपके NCERT का ही क्वेश्चन है जो मैं आपको करने को दे रहा हूँ, ताकि आपको
पूरा कॉन्फिडेंस आ जाए, ठीक है। बहुत ध्यान से देखिएगा, दिस इज द क्वेश्चन ऑफ योर एनसीईआरटी बुक एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मे बी इंपॉर्टेंट फ्रॉम एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। हमारा क्वेश्चन है बच्चों, राइट डाउन रिएक्शन ऑफ, आपको एक रिएक्शन लिखना है वन हेक्सीन या हेक्स वन इन। बच्चों बात एक ही है, आप वन हेक्सीन लिख दें तो भी सही है और हेक्स वन इन लिख दें तो भी सही है। हेक्स वन इन विथ एच बी आर, किसके साथ रिएक्शन लिखना है बच्चों? हाइड्रोब्रोमिक एसिड के साथ लिखना है, दो कंडीशन में। नंबर ए, इन द एब्सेंस ऑफ परऑक्साइड, परऑक्साइड की एब्सेंस में, इन द एब्सेंस ऑफ परऑक्साइड, जब हमने परऑक्साइड नहीं लिया है, और नंबर बी, इन द प्रेजेंस ऑफ परऑक्साइड, जब हमने परऑक्साइड लिया है, इन द प्रेजेंस ऑफ, अगली कंडीशन है बच्चों, इन द प्रेजेंस ऑफ परऑक्साइड, इन दो कंडीशन में हमें ये रिएक्शन लिखना है। अब अपना दिमाग लगाएं, अगर परऑक्साइड नहीं होगा तो ये कौन सी रिएक्शन होगी? ये होगा मार्क एडिशन। मार्कोनिकोफ रूल को बच्चों शॉर्ट में हम मार्क एडिशन भी बोलते हैं, है ना। अच्छा, प्रेजेंस ऑफ परऑक्साइड, अगर परऑक्साइड होगा तो एंटी मार्कोनिकोफ रूल को बच्चों हम एंटी मार्क एडिशन भी बोलते हैं, शॉर्ट में एंटी मार्क एडिशन। चलिए लिखते हैं रिएक्शन, दोनों का आंसर सॉल्व करते हैं। हेक्सीन, हेक्स है, हेक्स है, एक कार्बन, दो कार्बन, तीन कार्बन, चार कार्बन, पांच कार्बन, छह कार्बन। चलिए थोड़ा सा इधर लेके लिखते हैं, नहीं तो ये बोर्ड पर नहीं आएगी पूरी। ये हो गया आंसर, पहले वाले का आंसर लिखते हैं। हेक्स है, एक कार्बन, दो कार्बन, तीन कार्बन, चार कार्बन, पांच कार्बन, छह कार्बन, छह कार्बन है, वन इन है, वन के बाद डबल बॉन्ड, क्यों तिवारी सर? वन इन है, बाकी सब सिंगल बॉन्ड। कार्बन की वैलेंसी को एक और तीन चार, दो और दो चार, दो और दो चार, दो और दो चार, तीन हाइड्रोल का वैलेंसी एक और दो चार, है ना। इसको थोड़ा सही बना लीजिए, कार्बन हाइड्रोजन एक दूसरे को टच कर रहा है तो ये हो गया, कोई दिक्कत। ये फार्मूला हो गया हेक्सीन का, किसका हो गया बोलो? हेक्स वन इन का। किससे रिएक्शन हो रही है? रिएक्शन हो रही है बी आर से, है ना, एच बी आर से रिएक्शन हो रही है। चलो थोड़ा सा घिसका के लिखता हूँ मैं, ये इधर नहीं आ रहा। नंबर ए, सी एच थ्री, सी एच टू, सी एच टू, सी एच एक दो तीन चार, चार पाँच, सी एच डबल बॉन्ड सी एच टू, है ना। ये फार्मूला किसका हो गया बच्चों? हेक्स वन इन का फार्मूला हो गया। किससे रिएक्शन लिखना है? एच बी आर से लिखना है, जिसको हम क्या बोलते हैं? हाइड्रोब्रोमिक एसिड, हाइड्रोब्रोमिक एसिड या हेलोजन एसिड। अब ये बताइए, यहाँ पर परऑक्साइड है कि नहीं है? नहीं तिवारी सर, कोई परऑक्साइड नहीं है। मैंने आपको बताया था कि यदि कोई परऑक्साइड नहीं होता है तो यहाँ पर मार्क एडिशन लगता है। कौन सा एडिशन लगेगा इसमें? मार्क। मार्क एडिशन का मतलब बच्चों मार्कोनिकोफ रूल, निगेटिव वाला उस वाले कार्बन से जुड़ेगा जिस पर हाइड्रोजन कम है, पॉजिटिव वाला उससे जुड़ेगा जिस पर हाइड्रोजन ज़्यादा है। दिमाग मत लगाइए, जो दिखे उसे आप लिख दीजिए। बोलिए क्या दिखा? हमें दिखा सी एच थ्री सिंगल बॉन्ड, सी एच टू सिंगल बॉन्ड, सी एच टू, ये हो गया सी एच, सी एच से कौन जुड़ गया? बी आर, और क्या बच गया? सी एच थ्री। नंबरिंग फर्स्ट साइड से कि सेकेंड साइड से? सेकेंड साइड से, क्योंकि यहाँ पर बी आर पास है। वन टू थ्री फोर फाइव, टू टू से ब्रोमो जुड़ा है तो इसका नाम हो जाएगा बच्चों टू ब्रोमो, टू ब्रोमो प्रोपेन। तो अगर बच्चों पहला वाला क्वेश्चन है, इन दी एब्सेंस ऑफ परऑक्साइड आप करेंगे तो आपको मिलेगा टू ब्रोमो प्रोपेन। चलिए अगले वाले क्वेश्चन का आंसर करते हैं, बी वाले का करते हैं। हेक्सीन, ये हो गया सी एच थ्री, सी एच टू, सी एच टू, सी एच डबल बॉन्ड सी एच टू। इस कंपाउंड का नाम क्या है? तिवारी सर अभी तो आपने बताया था हेक्स वन इन। किससे रिएक्शन करवा रहे? वही एच बी आर से करवा रहे, लेकिन हाइड्रोब्रोमिक एसिड, क्या नाम है इसका? हाइड्रोब्रोमिक एसिड। तिवारी सर इसका जनरल नाम होगा हेलोजन एसिड, बिल्कुल सही बिटुआ। ये होगा निगेटिव, ये होगा पॉजिटिव। अब यहाँ पे आपको पता कैसे चला कि एंटी मार्क है? इन द प्रेजेंस ऑफ परऑक्साइड, ये लिखा है परऑक्साइड, यानी एरो के ऊपर वो आपको लिख के देंगे परऑक्साइड है। या तो पेपर में ऐसा पूछे,
या कोई भी आधी रिएक्शन लिखिया है, आधी आपको कंप्लीट करना है। अब क्या करोगे, निगेटिव वाला किससे जुड़ेगा, ज़्यादा वाले से, पॉजिटिव वाला किससे जुड़ेगा, कम वाले से, क्योंकि परोक्साइड आ गया। परोक्साइड आ गया तो कौन सा रूल लग गया इसमें, आपका लग गया एंटी मार्क एडिशन, क्योंकि परोक्साइड आ गया। अब आपका प्रोडक्ट क्या बनेगा, ध्यान से देखिए प्रोडक्ट क्या बनेगा, वो एच वहाँ चला गया, बी आर यहाँ आ गया, हमारा प्रोडक्ट बनेगा सी एच थ्री सी एच टू सी एच टू सी एच टू सी एच टू, एक दो तीन चार पाँच, एक और जुड़ेगा सी एच टू और ये बनेगा बी आर, इसका नाम हो जाएगा वन ब्रोमो हेक्सेन। थोड़ा सा मैं घिसका के लिखता हूँ, हो सकता है आपके वीडियो में नहीं आए, सी एच थ्री दो, ये हो जाएगा तीन, ये हो जाएगा चार, ये हो जाएगा पाँच, ये हो जाएगा एक दो तीन चार पाँच छः, और यहाँ जुड़ जाएगा बी आर, तो इसका नाम हो जाएगा वन ब्रोमो हेक्सेन। तो बच्चों यहाँ पर मार्क एडिशन और एंटी मार्क एडिशन की सिर्फ ये पहचान है कि अगर मान लीजिए कोई एसिमेट्रिक एल्कीन है और हैलोजन एसिड से रिएक्शन लिखने को दे रहे हैं और एरो के ऊपर कुछ भी नहीं लिखा है तो वहाँ पर मार्क एडिशन लगेगा, निगेटिव वाला कम से पॉजिटिव वाला ज़्यादा से जुड़ेगा, और यदि परोक्साइड लिखा है तो वहाँ एंटी मार्क लगेगा, कंडीशन पूरी अपोजिट हो जाएगी। पेपर में या तो इस तरह से क्वेश्चन आता है या हाफ रिएक्शन आपको गिवन होती है और हाफ रिएक्शन आपको कंप्लीट करना होती है। कुछ भी नहीं होगा तो मार्कोनिक ऑफ रूल लगाएंगे, और यदि परोक्साइड होगा तो एंटी मार्कोनिक ऑफ रूल लगाएंगे। तो डियर स्टूडेंट्स, इस सेगमेंट में हमने बहुत ही इंपॉर्टेंट कुछ नेम रिएक्शंस देखे, जिसमें कि मार्कोनिक ऑफ रूल और एंटी मार्कोनिक ऑफ रूल में से कोई एक तो श्योर आपके पेपर में आता ही है। इसके बाद हमने बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन देखा और हमने साथ ही डिहाइड्रोहैलोजनेशन रिएक्शन भी देखा, ठीक है। सो दिस इज गोइंग टू बी वेरी इंपॉर्टेंट सेगमेंट फ्रॉम योर एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। ओके स्टूडेंट्स, गुड डे टू ऑल ऑफ यू बच्चों।